बिहार में नई सरकार का गठन और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। सुशील कुमार मोदी भी अब लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं। इसी क्रम में सुशील मोदी ने तेज प्रताप यादव को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। गौरतलब है कि तेज प्रताप यादव बिहार के नव नियुक्त बिहार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं। उन्होंने गुरुवार को विभागीय बैठक का आयोजन किया था। इस दौरान बैठक में अधिकारियों के साथ उनके बहनोई शैलेश कुमार भी बैठे नजर आए। शैलेश के बिना किसी सरकारी पद के आधिकारिक बैठक में आने को लेकर विवाद खड़ा हो गया और बीजेपी के कई नेताओं ने कटकाज किया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि तेज प्रताप यादव जो खुद 3 वर्षों से सुर्खियों में हैं और जब मंत्री बनने के बाद पहली बैठक बुलाई तो वे खुद उसका संचालन नहीं कर रहे थे, उनके बदले उनके बहनोई कर रहे थे। उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि क्या नीतीश जी ने इस बात की अनुमति दे दी है कि अब सरकारी बैठकों में बहनोई शामिल ही नहीं होंगे बल्कि संचालन भी करेंगे। आगे सुनिए क्या कहा सुशील कुमार मोदी ने। लालू यादव के बड़े लाल श्री तेज प्रताप यादव जो पिछले 3 वर्षों से लगातार सुर्खियों में हैं, उन्होंने फिर एक बार मंत्री के नाते जब पहली बैठक बुलाई तो उस बैठक का संचालन वो खुद नहीं कर रहे थे बल्कि उनके बहनोई श्री शैलेश कुमार वो बैठक का संचालन कर रहे थे। आपको पता है कि तेज प्रताप यादव फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट के मिनिस्टर हैं और कल जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुख्यालय में बैठक चल रही थी तो उस बैठक का संचालन तेज प्रताप नहीं कर रहे थे बल्कि उनके दामाद, उनके बहनोई श्री शैलेश कुमार उस बैठक का संचालन कर रहे थे। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि उनके बहनोई इस बैठक में पहुंचे कैसे, अधिकारियों ने उनके बहनोई को बैठक में आने की अनुमति कैसे दी और फिर वो बैठक में प्रश्न कैसे पूछ रहे थे, बैठक का संचालन कैसे कर रहे थे। ये तो शुरुआत है। राजद के जो सर्वोपरि नेता हैं लालू प्रसाद यादव, वो हर चीज़ में हस्तक्षेप करेंगे और इसी प्रकार के और घटनाएं आगे देखने के लिए बिहार की जनता को मिलेगी तो नीतीश जी को उसका जवाब देना पड़ेगा। क्या अब सरकारी बैठकों के अंदर दामाद, बहनोई या बाकी लोगों के प्रवेश की अनुमति आपने दे दिया है?